A very good morning to all my dear students. Welcome to another class. आज हम body fluids का most interesting class पढ़ने वाले हैं. जी हाँ, आज हम cardiac cycle समझने वाले हैं. एक ऐसा topic जो अच्छे अच्छे students को clear नहीं होता, but एक ऐसा topic जो कोई student एक question गलत करके नहीं आएगा. बस आज full concentration से मुझे सुनना. घबराना मत, बहुत easy topic है. समझ आ गया तो हर question हम target करेंगे. चलिए शुरू करें, आइए. So I want all your full attention with me. Cardiac cycle. दो words यहाँ दिख रहे हैं, cardiac और cycle. आप कहोगे मैम ये कौन सी तोप बात कही आपने, बिल्कुल नहीं कही. Cardiac मतलब heart से related है और cycle मतलब क्या होता है? Cycle मतलब कुछ ऐसा जो यहाँ से चालू हो तो घूम के यहाँ आए, है ना? जैसे मौसम की cycle होती है. आजकल तो सब मौसम डिस्टर्ब होंगे, वरना एक साइकिल होती है. गर्मी आएगी, बरसात आएगी, सर्दी आएगी, एक साइकिल होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एवरी 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल. हम 12th रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं. कार्डियक साइकिल का क्या मतलब है समझो. ये हार्ट है मान लीजिए, ठीक है, दिल है. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा. हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऑफकोर्स ऑल चेम्बर्स, फोर चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट, फोर चेम्बर्स रिलैक्स करेंगे. मूवीज में देखा होगा दिल का धड़कना कैसे दिखाते हैं, धक 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 धक. ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ. एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, अब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा. ये एक हार्ट बीट थी, फुल कॉन्ट्रैक्शन, फुल रिलैक्सेशन. ये सेकेंड हार्ट बीट है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. ये थर्ड हार्ट बीट है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. यानी अगर मैं सारे इवेंट स्टडी करना चाहती हूँ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा तब से लेके जो ये फुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फुल रिलैक्स हुआ और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा, इस बीच में क्या क्या घटनाएं घटी, उसे कहेंगे कार्डियक साइकिल. सो ऑल द इवेंट्स दैट अकर बिटवीन बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल. एक हार्टबीट की शुरुआत से सेकेंड हार्टबीट की शुरुआत के बीच में जो भी कुछ होगा, दैट इज कार्डियक साइकिल. अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है कि हार्ट रेट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है. यानी ये जो मैंने धक धक की, एक दूसरी तीसरी, ये 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स ऐसा होता है. यानी 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है इन 60 सेकेंड्स और वन मिनट, एक ही बात है. देन वन टाइम अगर उसे बीट करना है तो उसे कितने सेकेंड्स लगेंगे? 60/72 अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स, या और अच्छा कहना है दो में से जो भी ऑप्शन हो 0.85 सेकेंड्स. ये होगा एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन. जो वन टाइम हार्ट बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दैट इज वन कार्डियक साइकिल. और यू कैन से फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट इज वन कार्डियक साइकिल. और एक साइकिल होने में 0.8 सेकेंड्स लगता है. इसमें सारे चारों चेंबर्स, दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएंगे, रिलैक्स भी कर जाएंगे मात्र 0.8 सेकेंड्स में. अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिस्टोल वर्ड यूज़ करते हैं और रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल वर्ड यूज़ करते हैं. तो अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रिया रिलैक्स करेगा तो एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल. इनके अलग अलग टाइम है, अलग अलग साइकिल है. आइए पहले इतनी थ्योरी देखते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड. सो साइक्लिकल इवेंट्स साइकिल की तरह हैं. Between beginning of one heartbeat and beginning of next heartbeat is known as cardiac cycle. One cardiac cycle is equal to 0.8 or 0.85 seconds. ये कैसे calculation आया मैंने आपको समझाया. दो phases होंगे, contraction, relaxation. Contraction is called systole, relaxation is called diastole. Atrial and ventricular systole, ASVS, and atrial and ventricular diastole, that means ADVD. तीन इवेंट्स होंगे. एक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकंड सबसे कम के लिए, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे 0.3 सेकंड्स, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल. फिर वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है ना स्टूडेंट्स, तो एट्रिया भी ऑलरेडी रिलैक्स होता है, अभी बताऊंगी. तो या तो आप कहो वेंट्रिकुलर डायस्टोल या आप कह दो जॉइंट डायस्टोल, दैट इज 0.4 सेकंड्स, जिस समय एट्रिया वेंट्रिकल जॉइंटली दोनों डायस्टोल में. अब क्योंकि ये साइकिल है
ये तीनों घटनाएं लगातार साइक्लिकली होती रहेंगी, ये फिर दोबारा से ये फिर दोबारा ये और ऐसे हार्ट बीट होती रहेगी 72 टाइम्स पर मिनट के अकॉर्डिंग, नॉर्मल अगर हम बात करें, क्योंकि एक साइकिल है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ, ये मेरा तरीका है पढ़ने का, बात एक ही रहेगी कान कैसे भी पकड़ो, क्योंकि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कौन इनिशिएट करवाता है बताओ, एसए नोड। और ऐसे नोड कहां पर है, राइट एट्रियम में। तो सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट मतलब एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एट्रिया। तो मैं कहानी यहां से शुरू करती हूं, आप कहानी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन तीनों स्टेजेस को। मैं एक हार्ट का डायग्राम बना रही हूं, रफ डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए। जैसे सपोज करिए ये एट्रिया है और ये हमारे वेंट्रिकल है, ठीक है। नाउ क्विकली बना देती हूं मैं, ये लेट अस सपोज ये राइट साइड हो गई लाइक दिस और ये लेफ्ट साइड हो गई लाइक दिस, ठीक है। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, रट गया है अब तो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं बता नहीं रही हूँ, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये मैंने क्या बनाई है बताइए, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी अयोटा, जो आगे जाके फिर राइट और लेफ्ट दो में डिवाइड हो जाएगा। और यहां पे ये मैंने क्या बना दिया, सेमी ल्यूनर वाल्व बना दिया। ऐसे ही मैं यहां बना देती हूं अयोटा, ये कौन सा अयोटा है, सिस्टेमिक अयोटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा लाइक दिस, ये रहा और ये इस तरह से फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये यहां पर भी है सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो हमारे पास राइट एवी वाल्व, लेफ्ट एवी वाल्व, दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी हो गए, फोर चेंबर्स हो गए। अब राइट एट्रियम में सुपीरियर वेने केवा की ओपनिंग, इंफीरियर वेने केवा की ओपनिंग और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, लेफ्ट एट्रियम में फोर पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग, ये सब है, ठीक है। मैं कहानी शुरू करती हूं फर्स्ट इवेंट से, दैट इज एट्रियल सिस्टोल से। सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड्स में, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ये 0.1 सेकेंड के लिए होगा, क्या होगा समझो, यहां पे ऐसे नोड है वो फायर करेगा 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से इंपल्स, वो इंपल्स राइट एट्रिया की वॉल में जाएगी और लेफ्ट एट्रिया की वॉल में भी जाएगी। अब मुझे ये सोच के बताओ कि एट्रियल सिस्टोल है तो एट्रिया की जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब मुझे सोचकर ये बताओ, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है एट्रिया में वो कहां जाएगा, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में जाएगा, यहां लिखती हूं मैं वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग। मुझे ये बताओ ये जो वेंट्रिकल भर रहे हैं ये एक्टिव है या पैसिव फिलिंग है, भाई मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण फिल हो रहा है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी लगती है, ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी ये एक्टिव फिलिंग है, एक्टिव फिलिंग। मुझे बताओ ये तेजी के साथ होगी कि धीमे धीमे होगी, आप कहोगे मैम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, ऑफ कोर्स बहुत तेजी से होगी, यानी ये रैपिड फिलिंग है। सो ये रैपिडली होगा, एक्टिव होगा, लेकिन वेंट्रिकल में टोटल जितना भी ब्लड आना है, हमें पता है टोटल 120 ml ब्लड आता है एंड डायस्टॉलिक वॉल्यूम, उसका सिर्फ 1/3 ब्लड इस तरह से आता है, सिर्फ 1/3। अब मैं इसे कंप्लीट करती हूं, 1/3 वेंट्रिकुलर फिलिंग, 30%, बाकी 2/3 कैसे आएगी वो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मुझे सोचकर ये बताओ कि ये वाल्व्स ओपन होंगे या क्लोज, एवी वाल्व्स, भाई अगर ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में आना है तो ये तो खुले होने चाहिए ना, गेट तो खुला होना चाहिए, नहीं तो मेहमान अंदर कैसे आएगा। तो एवी वाल्व्स जो हैं वो ओपन है इस समय पे, ऑफकोर्स चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो, दोनों ही ओपन है। मुझे सोचकर ये बताओ कि इस समय जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वेंट्रिकल रिलैक्स है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जरूर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तभी तो हाई टू लो प्रेशर ब्लड आ रहा है, यानी इस समय पर
वेंट्रिकल्स कैसे हैं रिलैक्स, देखो रटना नहीं है, देखते जाओ मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, बस वैसे ही याद रखते जाना। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड है, एक्टिव है, 1/3 फिलिंग है, एवी वाल्व्स ओपन है। सोचकर बताओ इस समय पर सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन है कि क्लोज्ड है, सोचो, तुक्का नहीं मारना। वेंट्रिकल रिलैक्स है, वॉल्यूम हाई है, प्रेशर लो है, जो ब्लड इन वेसल्स के अंदर है अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, अगर ये वाल्व खुले हुए तो इनके अंदर तो हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, वॉल्यूम ज्यादा है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो बैक फ्लो हो सकता है। तो सेमी ल्यूनर वाल्व क्या है? क्लोज्ड है। सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज्ड है इस समय पे। जब भी वेंट्रिकल रिलैक्स होगा ना तो सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व खुलते हैं ताकि ब्लड आगे जाए, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो सुपीरियर वेने केवा, इंफीरियर वेने केवा, स्कोरोनरी साइनस, इनके जो वाल्व हैं यानी थेबेसियन, यूस्टेशियन, हेवर्सियन, वो वाल्व्स क्या होंगे, ओपन या क्लोज्ड? देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चांस है कि इसमें प्रेशर बढ़ रहा है तो कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, तो ये सारे वाल्व्स क्या होने चाहिए? ऑफ कोर्स क्लोज होने चाहिए। सो हेवर्सियन जो सुपीरियर वेने केवा पर है, यूस्टेशियन जो इंफीरियर वेने केवा का वाल्व है, थिबेसियन, ये सारे वाल्व्स क्या होने चाहिए? बंद होने चाहिए। तो कुछ रटने की जरूरत है ही नहीं अपने को, बड़ा आसान है, क्लोज बड़ा आसान है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, एट्रिया से वेंट्रिकल में 1/3 रैपिड एक्टिव फिलिंग हो रही है ब्लड की, कहीं बैक फ्लो ना हो तो इन वेन्स के वाल्व क्लोज्ड हैं, ब्लड आगे जाना है तो एवी वाल्व ओपन है और सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज है क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो कहीं उनसे उल्टा ब्लड ना आ जाए पीछे तो वो बंद है। इतना समझ में आया? ये हुआ 0.1 सेकंड के लिए। इतनी देर में वो जो एसए नोड ने फायर किया था वो एवी नोड और एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से दोनों ब्रांचेस और दोनों ब्रांचेस से परकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल की एक एक सेल तक पहुंच गई है 0.1 सेकंड के अंदर अंदर। तो अब क्या होगा? अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि परकिंजे फाइबर्स ने उस तक इंपल्स पहुंचा दी है, तो वहां की कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगी, यानी अब आएगी सेकेंड स्टेज, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आया समझ में? क्या होगा समझो, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, अब यहां ध्यान दो, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है उस समय पर ये क्या है? ओपन है, अभी अभी देखा अपन ने, ओपन है, और ये क्या है? क्लोज्ड है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल काफी मोटा है, उसकी मसल काफी ज्यादा है, यानी कि वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर हाई होगा, तो चांस है कि कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, उसे बचाने के लिए एवी वाल्व्स धड़ाक से क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। सो एवी वाल्व्स क्लोज। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, क्या हो रहा है यहां पे? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही कोई वाल्व बंद होता है, जब आप गेट खोलते हो तो आवाज नहीं आती है, बिल्कुल ही चुड़चुड़ पराठा टाइप का गेट है तो अलग बात है, वरना जब गेट बंद करते हो तो धाड़ से आवाज आती है। तो जैसे ही आप गेट बंद करोगे, यानी एवी वाल्व जैसे ही बंद होगा, आवाज आएगी, उस आवाज को डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, वो है फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों आती है? एवी वाल्व्स के बंद होने के कारण, राइट लेफ्ट दोनों। कब होगा ये बंद? जब हमें बैक फ्लो बचाना है, यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है तभी आ जाती है। अब इस समय सिचुएशन क्या है? देखो कितनी मजेदार सिचुएशन है। ये तो ऑलरेडी बंद थे और ये बंद हो गए। देखो सेमी ल्यूनर वाल्व ऑलरेडी क्लोज्ड और एवी वाल्व बंद हो गया, यानी अब ये वेंट्रिकल एक क्लोज चेंबर बन गया। ना तो ब्लड आगे जा रहा है ना ब्लड पीछे जा रहा है, यानी इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया इस समय पर, राइट नाउ। ना तो ब्लड आ रहा है ना जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसे कहते हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, पर कैसा? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम इस समय आइसो, आइसो मीन सेम वॉल्यूम है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो ये जो स्टेज मैंने कही, ये कौन सी स्टेज है? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये स्टेज ज्यादा देर तक टिक पाएगी? सोचो, यहां देखिएगा क्या होगा। वेंट्रिकल लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, कुछ देर के लिए तो चलो ये तो तुरंत ही बंद हो गया जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, ये ऑलरेडी बंद थे,
पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा तो प्रेशर तो बनता जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो एक ना एक वाल्व तो खोलना पड़ेगा आपको भाई, डैम का कोई ना कोई गेट तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो प्रेशर कुकर बन जाएगा, फट जाएगा। कौन सा खोलोगे बताओ? ये किए सेमी ल्यूनर ओपन करेंगे ताकि ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक अयोटा में जाए। एवी वाल्व थोड़ी ना खोलेंगे, और इस तरह से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर इजेक्ट हो गया, यानी इसके बाद सेकंड आएगा फेज ऑफ इजेक्शन। फेज ऑफ इजेक्शन, इसमें सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन ओपन, और ब्लड जो है दैट गोज इनटू अयोटा, पल्मोनरी अयोटा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड सिस्टेमिक अयोटा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सब होते होते 0.3 सेकेंड्स हो जाते हैं, और इतनी देर में अब वो वेव चली गई, वो इंपल्स चली गई जो ऐसे नोट से शुरू हुई थी। मुझे ये बताओ, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस समय एट्रिया क्या कर रहा है? रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट? ऑफ कोर्स एट्रिया रिलैक्स्ड है, तो अब मैं यहां पे लिखती हूं एट्रिया इन रिलैक्स पोजीशन। तो एट्रिया रिलैक्स है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अब इंपल्स खत्म हो गई, अब दोबारा से इंपल्स ऐसे नोड जनरेट करेगा ताकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, बट उसके पहले 0.4 सेकंड का समय आएगा जब वेंट्रिकल से वो परकिंजे फाइबर वाली इंपल्स जा चुकी है और ऐसे नोड ने अभी नई फायरिंग शुरू नहीं की है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ है, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया, यानी अब आएगी थर्ड स्टेज विच इज जॉइंट डायस्टोल। एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया, जॉइंट डायस्टोल। हाँ, इसके खत्म होते होते तक ऐसे नोड फिर से फायर करके एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो फिर से कहानी ऐसे ही चलने लग जाएगी। अब जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है ध्यान से देखो। अच्छा, ये जो सेमिल्यूनर वाल्व खुला, क्या इसकी आवाज आएगी? नहीं, गेट खुलने की आवाज नहीं आती है, सिर्फ बंद होने की आवाज आती है। तो अभी तक सिर्फ पहली हार्ट साउंड आई है एवी वाल्व के क्लोजर के कारण, और एवी वाल्व कब बंद होगा? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। अब इस समय पर एट्रिया क्या है? रिलैक्स, और वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, यानी बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स्ड। अब समझो इस समय क्या है, क्या सिचुएशन है ध्यान से देखो। एवी वाल्व क्लोज है, सेमिल्यूनर वाल्व ओपन है, यही है। अब मैं कह रही हूं कि ये रिलैक्स होंगे, जब ये रिलैक्स होंगे, ये वाल्व्स ओपन है और ये रिलैक्स होंगे, रिलैक्स मतलब इनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो चांसेस हैं कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए हाई टू लो प्रेशर अयोटा से रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में, पल्मोनरी अयोटा से राइट वेंट्रिकल, ये मतलब है मेरा, और सिस्टेमिक अयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में कहीं बैक फ्लो ना हो जाए। तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करता है, जैसे ही उसका प्रेशर गिरना शुरू करता है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व जो ओपन हुए थे ये खटाक से बंद हो जाएंगे। सो सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज, और गेट के बंद होने पे आवाज आती है, ये आएगी सेकेंड हार्ट साउंड। तो सेकेंड हार्ट साउंड कब आती है? जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करता है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। फर्स्ट हार्ट साउंड आती है एवी वाल्व के क्लोजर के कारण, सेकेंड हार्ट साउंड आती है सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोजर के कारण। दोनों आवाजें वाल्व के क्लोजर के कारण आती है। इतना क्लियर हो गया? अब सिचुएशन देखो क्या है। एवी वाल्व ऑलरेडी क्लोज्ड है अभी फिलहाल, और सेमिल्यूनर वाल्व भी क्लोज हो गया, ये तो फिर से क्या हो गया? एक आइसो वॉल्यूम कंडीशन बन गई, ना ब्लड आ रहा है ना ब्लड जा रहा है। ये भी आइसो वॉल्यूमेट्रिक है, पर यहां आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो जाएगा। सो एवी वाल्व ऑलरेडी क्लोज्ड, पहले मैंने क्या लिखा था, सेमिल्यूनर वाल्व ऑलरेडी क्लोज्ड और एवी वाल्व क्लोज हो रहा है फर्स्ट हार्ट साउंड। अब मैं इसका उल्टी सिचुएशन पे आ गई, यानी ये पूरा ए क्या हो गया, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की स्टेज हो गई। अब क्या होगा समझो,
ये रिलैक्स होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है, ना ब्लड आ रहा है ना ब्लड जा रहा है, ना बैक फ्लो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब क्या होगा, ध्यान से समझना भाई, दोनों ही रिलैक्स है, मतलब चारों चेंबर्स रिलैक्स हैं। तो जब एट्रिया भी रिलैक्स है तो एट्रिया का वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम है तो जो सुपीरियर वेने केवा है, इन्फीरियर वेने केवा है, कोरोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन्स हैं, इनके थ्रू ब्लड एट्रिया में भर रहा है। आ रहा है समझ, इस समय भरेगा ना भाई, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब तो ये वाले वाल्व्स बंद होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो। तो उस समय तो कोई ब्लड एट्रिया में आ नहीं रहा, ना आ रहा है ना जा रहा है, वो तो सीधे वेंट्रिकल में पहुंच रहा है। लेकिन जब एट्रिया रिलैक्स है, वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं बॉडी से जो ब्लड ला रही हैं डीऑक्सीजनेटेड, वो एट्रिया में आएगा। आएगा, इतना समझ में आया? यानी इस समय पर क्या हो रहा है, एट्रिया की अगर हम बात करें तो एट्रिया फिल्ड अप विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन्स, ये हो रहा है ना इस समय पे। आ रहा है समझ में? तो क्या होगा, है सब कुछ रिलैक्स, लेकिन फिर भी ये तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक बन गया, रिलैक्स है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये भी रिलैक्स है लेकिन इनमें ब्लड भर रहा है। तो उस ब्लड के भरने के कारण धीरे धीरे इनमें प्रेशर बिल्टअप होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ध्यान रखो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, पर ब्लड जो भर रहा है उससे प्रेशर बिल्टअप होगा। और वो जो प्रेशर बिल्टअप होगा, एक लेवल के बाद जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ये वाल्व थोड़ा सा खुलेगा, धड़ाक से 1/3 ब्लड नीचे आएगा एकदम से, और जब ये थोड़ा खुल जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे बचा हुआ 1/3 ब्लड आएगा, ग्रेविटी के कारण, ऊपर से नीचे के कारण, और फिर जाकर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो रिमेनिंग जो ये मैंने बताया था, फिर से तेजी के साथ 1/3 ब्लड आएगा। तो 1/3 ब्लड जो एक्टिवली आ रहा है धड़ाक से, वो यहां आ रहा है, पर जो 2/3 ब्लड है वो तभी आ जाता है जब एट्रिया रिलैक्स है लेकिन प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वो भर गए हैं ब्लड से, इन वेन से जो ब्लड आया है। तो यहां पर क्या होगा, आइए देखते हैं, ये जो एट्रिया है इसके बाद में, पहले जैसे ही वाल्व ओपन होगा, अभी एवी वाल्व क्लोज था, अब एवी वाल्व ओपन होगा, और जैसे ही एवी वाल्व ओपन होगा वैसे ही पहले जल्दी से तेजी से रैपिड 1/3 वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, और फिर भाई कोई भी चीज गेट खुलता है तो एकदम धड़ाक से अपन थिएटर हॉल में घुसते हैं, फिर जब गेट पूरा खुल जाता है फिर धीरे धीरे आने लगते हैं, तो जो स्लोली होगा बचा हुआ 1/3, और तब जाकर ऐसे नोड फायर करेगा, और तब जाके बचा हुआ 1/3 जो है वो फिर आएगा। हमने यही तो कहा था कि इस समय एवी वाल्व खुले हुए हैं, ये देखो एवी वाल्व ओपन, यहां यही तो कहानी शुरू की है, साइकिल है, सब कुछ फिट बैठना चाहिए बिल्कुल सर्कल में। तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये जो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है 2/3 टोटल, जिसमें से 1/3 जल्दी से आ रहा है, 2/3 स्लो, 1/3 स्लोली आ रहा है ग्रेविटी के कारण, ये एक्टिव फिलिंग है कि पैसिव फिलिंग है? ये पैसिव फिलिंग है, क्योंकि यहां कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन के कारण फिलिंग नहीं हो रही, यहां तो वो एवी वाल्व खुला उसके कारण फिलिंग हुई, और बाकी जो स्लोली ब्लड आया वो ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो ये जो दोनों हैं ये पैसिव फिलिंग है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग है, जबकि 1/3 फिलिंग जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कारण है वो एक्टिव है। पर अगर कोई पूछे स्लो और रैपिड, तो ये भी 1/3 रैपिड है, यहां भी 1/3 रैपिड है, यानी टोटल 2/3 रैपिड फिलिंग है और 1/3 स्लो फिलिंग है। आया समझ में? इस पीरियड को क्या कहोगे, जब एट्रिया में प्रेशर बिल्ट अप हुआ और एवी वाल्व खुला, इसके पहले वेंट्रिकल आइसो वॉल्यूम में थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही ये वाल्व खुले अब वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई, यानी इसे कहेंगे ये जो पूरा फेज है, दिस इज नोन एज फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को भी दो फेजेस में बांटा है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और फिर जब प्रेशर बहुत बढ़ेगा तो ये सेमीलूनर वाल्व ओपन होंगे तो इजेक्शन हो रहा है। ऐसे ही वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को भी दो फेजेस में बांटा है, एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और फिर एक जब वेंट्रिकल फिल होगा। यहां वेंट्रिकुलर इजेक्शन था जब वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा, यहां वेंट्रिकुलर फिलिंग है जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा।
और फिर ऐसे नोट फायर करेगा और फिर ये रिमेनिंग वन थर्ड भरेगा और ये सारी कहानी चलती जाएगी। और इस समय पे बताओ सेमी ल्यूनर वैल्व क्या रहेंगे, क्लोज ही रहेंगे क्योंकि वेंट्रिकल तो रिलैक्स ही है और एवी वैल्व खुल गए, यानी यही कहानी पर हम पहुंच गए और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं रटना है, अगर अपन अपने दिमाग से एक बार समझ ले और हर चीज़ को लॉजिकली देख ले देन देयर इज नथिंग टू मग अप। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं किस स्टेज में कौन सा वैल्व ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा रिलैक्स कर रहा है, किससे ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।